मार्गदर्शन करें, आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, तो आप जीवन में हर एक मुकाम को, हर एक ऊंचाई को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अपने मुख्य अतिथि साथ भर के साथ जो भी साथ बैठे सभी से आग्रह होगा कि आप संयुक्त रूप से फीता काटकर इस सम्मान समारोह का उद्घाटन करें। हम इस संस्थान के डायरेक्टर मुनीर सर से आग्रह करेंगे कि वो दूसरे प्रवेश कराते हुए इस सम्मान समारोह के बारे में बताएं। अब हर साल बच्चे सम्मानित किए जाते हैं। हम लोग ये कोचिंग लाइफ का 28वां साल है। एक ऐसा जमाना था कि कोई गांव में जाने से डरते थे 28 साल पहले, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत करके उस गांव में गए और शिक्षा का प्रसार और प्रचार किया और बच्चों को लाकर यहाँ शिक्षित किए। और आज वे बच्चे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई दरोगा जी है, कोई टीचर है, कोई सब इंस्ट्रक्टर है। जो बच्चा किसी दूसरे दिशा में भटकना चाह रहे थे, उनको हम सही दिशा हम लोगों ने दिया। और ऐसा जो हुआ ये पूरे लाइफ लाइन टीम के तरफ से ही नहीं हुआ, इसके लिए बहुत लोग इसके लिए भागीदारी हैं, जैसे ग्रामीण जनता, पत्रकार महोदय, प्रशासन, गार्डियंस, इन सबका हक बनता है इसमें। जो आज स्थिति है उसके लिए सब कोई हकदार है, जिन्होंने हमको मनोबल बढ़ाया और इस तरह से मुख्य मुकाम पर पहुंचाया। हम सम्मान समारोह का आयोजन जो किए हैं उसकी शुरुआत करेंगे। हम Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. We'll be right back.
वीर सर है जो 28 साल से ही नहीं बल्कि हमको लगता है 30-35 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं और कई तरह के इनको सामना भी करना पड़ा। लिए मैं चंद शब्द कहना चाहती हूँ कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आपके सबसे पहले गुरु आपके माता पिता हैं, उसके बाद आपके जो जहाँ से संस्थान से पढ़ते हैं वो आपके गुरु हैं, वो आपको तराशने का काम करते हैं। और जो शिक्षक होते हैं ये शिक्षक कांच के टुकड़ों को जैसे जोहरी तराशता है तो वो हीरा बन जाता है, वैसे ही एक शिक्षक किसी को तराश के उसको एक बढ़िया आदमी, एक प्रतिष्ठित आदमी, एक समाज में एक देश के लिए एक अच्छा नागरिक को पैदा करता है। और जो शिक्षक होते हैं वो एक जोहरी होते हैं, वो एक कांच का पत्थर को तराशते हैं तो एक हीरा बन जाता है। और वो हीरा आप है जो अपने माता पिता के ताज के ऊपर में चमकते हैं। कि यहाँ की आवाज पड़वा प्रखंड ही नहीं, पलामू जिला ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में गूंजनी चाहिए। पड़वा मोड़े का ऐसा जगह है जो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो डाल्टनगंज में पढ़ाई नहीं होती है वो हमारा पड़वा मोड़ में होता है। और ये शिक्षा का अलग जगाने के लिए हम लोग फक्र तब महसूस करते हैं कि हमारे बीच LLTC के डायरेक्टर माननीय बड़े भाई मुनीर सर जी हैं कि आप जिस कोचिंग सेंटर में हैं वो निसंकोच पलामू प्रमंडल में नाम रखने वाला कोचिंग सेंटर है। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हार बैठकर ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। मुझे बहुत फक्र और खुशी है कि हम उस कारवां का हिस्सा बनने जा रहा है जो कारवां बहुत दूर तक जाने वाला है। आना नहीं कभी हार के, कांटे पे ही मिलती हैं कलियां बहार के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि एक ऐसा वीर सपूत हम लोग के बीच में मुनीर सर को भेजा गया और मनु सबसे पहला कोचिंग सेंटर अगर मुनीर सर यहाँ चलाने का काम किए और अलग शिक्षा में अलग जगाने का काम किया है, इसलिए मैं मुनीर सर को अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज हम एक ऐसे मंच पे खड़े हैं जहाँ से देश का हमारे देश का भविष्य तय होता है, जहाँ बिजलियाँ गिराने की हमें भी जीना है, वही आसिया बनाने की। अरे मंजिल मिलेगी क्यों नहीं, हमने तो कसम खा ली है मंजिल पाने की, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगा।